और क्लास फोर सब्जेक्ट है आप लोग का मैथ फ्रैक्शन चल रहा है। एक्सरसाइज पहले सिक्स डी बता दे, आज एक्सरसाइज सिक्स ई है। एक्सरसाइज सिक्स ई, सिक्स ई में है सब्ट्रैक्शन है। क्या है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन है तो वन टू थ्री फोर क्वेश्चन बताया है और क्वेश्चन इसी टाइप से बनने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम हो या कोई भी हो इसी टाइप से सब क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर वन जो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, थ्री बाई फोर है माइनस वन बाई फोर है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन दोनों का जो है डाउन क्या है सेम है, दोनों का डाउन क्या सेम है और दोनों का अप क्या है थ्री और वन है, थ्री और वन है। थ्री में से वन क्या आएगा टू आएगा, अप में क्या होगा टू और डाउन में क्या आएगा फोर, टू अपॉन फोर। इसको सोल्व कर दिया है, कैंसिल करेंगे तो फोर टू कैसे अप फोर होगा और थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू बाई फोर, टू बाई फोर प्लेस होल्डर में क्या करेंगे टू बाई फोर को फिल अप करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर टू में राइट ग्रेटर और स्मॉलर इन द ब्लैंक्स, प्लेस होल्डर में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है उसको जो फिल अप करना है। तो यहाँ है फर्स्ट में फोर बाई सिक्स, थ्री बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स, टू बाई सिक्स, लेफ्ट लेफ्ट है राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट में सोल्व करेंगे राइट को राइट में सोल्व करेंगे। यहाँ सिक्स सिक्स है दोनों सेम है, नाम क्या है दोनों सेम है, सिक्स का कैल्सियम यहाँ फोर है थ्री है तो फोर माइनस थ्री है। यहाँ अगर राइट लेते हैं दोनों का दाम क्या है सेम है सिक्स है, तो सेम आएगा सिक्स, फाइव बाई टू है तो फाइव माइनस टू हो गया, तो फोर माइनस थ्री क्या आ गया वन और फाइव माइनस टू क्या गया थ्री, और दोनों का दाम क्या है सेम है। अब क्या है वन और थ्री है तो वन है और थ्री है, देखने लगा वन क्या है स्मॉल हो गया थ्री क्या हो गया ग्रेटर हो गया, तो वन बाई सिक्स फ्रैक्शन लेस होगा किसे थ्री बाई सिक्स से, वन बाई सिक्स फ्रैक्शन जो लेस होगा थ्री बाई सिक्स, मतलब थ्री बाई सिक्स ग्रेटर होगा और बाई सिक्स स्मॉलर होगा, तो यह प्लेस होल्डर में यह जो है सिंबल पुट कर रहा है। सबके थर्ड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, अब है वन बाई सिक्स फ्रॉम थ्री बाई फोर, यहाँ फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम लगा हुआ है तो इसका जो है अपोजिट चलेगा, क्या चलेगा अपोजिट चलेगा, तो वन बाई सिक्स फ्रॉम थ्री बाई फोर, तो पहले आएगा थ्री बाई फोर, क्या आएगा थ्री बाई फोर, फ्रॉम वन फ्रॉम वन माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, वन बाई सिक्स है वन बाई सिक्स होगा, अब फोर है सिक्स है फोर सिक्स का इससे निकालेंगे निकालेंगे आप लोग फोर सिक्स का इससे निकालेंगे क्या आएगा ट्वेल्व आएगा, क्या आएगा ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व आ गया कैल्सियम ट्वेल्व आएगा, इसका डाउन वार्ड कितना है फोर है, तो डाउन वार्ड से कैल्सियम में डिवाइड करते हैं, डाउन वार्ड फोर है कैल्सियम ट्वेल्व है, तो फोर में ट्वेल्व होता है तो फोर थ्री जा ट्वेल्व का फोर जा फोर टू जा एक फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री टाइम्स आया और थ्री टाइम्स आया और कितना है थ्री है अब कितना है थ्री है तो थ्री थ्री जा नाइन होगा माइनस है माइनस है और सिक्स है सिक्स टूला ट्वेल्व सिक्स टूला ट्वेल्व सिक्स को डिवाइड किया ट्वेल्व से तो टू टाइम्स हुआ सिक्स टूला ट्वेल्व टू टाइम्स हुआ तो टू मल्टीप्लाई करेंगे अब में वन से तो टू इंटू वन टू होगा तो नाइन माइनस टू तो नाइन माइनस टू कितना होगा सेवन तो सेवन बाई ट्वेल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है ए में फाइव होल फाइव बाई सिक्स फ्रॉम सेवन होल फोर बाई नाइन, फाइव होल फाइव बाई सिक्स फ्रॉम सेवन होल फोर बाई नाइन, इसको अरेंज करेंगे तो लिखेंगे सेवन होल फोर बाई नाइन फ्रॉम लगा हुआ है माइनस होगा फाइव होल फाइव बाई सिक्स, होल को मिक्स यह मिक्स फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को ले जाएंगे ई प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसमें जाएंगे ई प्रॉपर तो मिक्स को जो है तो सेवन होल है तो सेवन होल को डाउन से मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन होल को डाउन से मल्टीप्लाई करते हैं अब इतना होगा अब को करेक्ट करते हैं तो नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री में पूरा करेंगे तो सिक्सटी सेवन होगा बाई नाइन, फिर फाइव होल है और डाउन सिक्स है तो डाउन में सिक्स में तो सिक्स होगा थर्टी, थर्टी में फाइव फाइव करेंगे तो थर्टी फाइव, यह आ गया इम्प्रॉपर फंक्शन में, क्या आ गया इम्प्रॉपर फंक्शन आ गया। अब नाइन और सिक्स का इससे निकालेंगे तो नाइन और सिक्स का इससे निकालेंगे कितना का एटीन आएगा, कितना का एटीन, अब एटीन को डिवाइड करेंगे नाइन से, एटीन को डिवाइड करेंगे नाइन से तो नाइन को क्या पढ़ेंगे तो नाइन टू जा एटीन होता है, नाइन टू जा एटीन टू टाइम्स आया और सिक्सटी सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन टू जा फोर्टीन और सिक्स टू जा ट्वेल्व वन थर्टी मैंने वन हंड्रेड थर्टी टू माइनस सिक्स थ्री जा सिक्स थ्री जा एटीन थ्री टाइम्स हुआ सिक्स थ्री जा एटीन थ्री टाइम्स और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे अब को अब है कितना थर्टी फाइव अब कितना है थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव में थ्री से तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन करी है वन थ्री थ्री जा नाइन नाइन वन टेन वन हंड्रेड फाइव हुआ और वन हंड्रेड थर्टी फोर को वन हंड्रेड फाइव से माइनस करेंगे
तब कर लेंगे 4 × 3 = 14 9 ये हो गया 2 हो गया 2 में से 0 लगाया तो 2 हो गया तो 29/18 इसको होल में जाएंगे नहीं क्या करेंगे 29 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आ रहा 1 टाइम्स तो 9 माइनस 8 1 और 2 माइनस 1 तो 1 जो कोशिएंट आ गया वो जाएगा होल में कोशिएंट आया 1 हो जो रिमाइंडर आता है होता है ऑफ में रिमाइंडर कितना है 11 ऑफ में क्या 11 और डिवीजर हो गया वो जाएगा डाउन में डाउनवर्ड में तो 1 होल 11 बाय 18 होगा 1 होल 11 बाय 18 होगा तो क्लास 4 के स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक है कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाला भी है तो सारा क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा आप लोग क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे